हमारी इंडस्ट्री बदल रही है काफ़ी हद तक बदल चुकी है लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री यू नो व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स पीपल हु आर देयर सपोर्टिंग यू दे आर ऑल मैन तो एक औरत होते हुए कितना मुश्किल रहा है या आसान भी हो सकता है रहा बिकॉज आप एक औरत है <laughs> मुझे बताइए देखिए एक्चुअली जहाँ से मैं आती हूँ मेरा बैकग्राउंड ये रहा कि मेरी माँ सिंगल मदर थी आई लॉस माई फादर वेरी अर्ली और बहुत धड़ हम लोग नॉर्थ में एक वर्ड यूज़ करते हैं धड़ल्ले से रहती धड़ल्ले से ऑफ कोर्स हाँ तो धड़ल्ले से रहती थी और माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और एक बड़ी स्ट्रेंज बात हमारे घर में ये थी कि मैं और मेरा भाई है भाई मेरा डॉक्टर है और तो मुझ पर ऐसे कोई रूल्स लागू नहीं होते थे <laughs> तो क्योंकि डॉक्टर्स की फैमिली से थी तो मुझे ऐसा कभी भार नहीं डाला गया कि सब डॉक्टर्स तो तू भी डॉक्टर बन तो आई वॉज़ ऑलवेज मोर इंटाइन ट वर्ड लिटरेचर फिलासफी साइकोलॉजी या वो मेरे सब्जेक्ट्स भी रहे तो uh, पर लेकिन मेरे भाई को कहा गया कि सुन अगर तुझे इंटरेस्ट है मेडिसिन uh, में तो तू डॉक्टर बन जा तो ही जस्ट गेम में अ वेरी डर्टी लुक क्या अच्छा तू तो बनी नहीं <laughs> मुझे कभी नहीं पूछा जाता था कि तू लेट आएगी कि जल्दी आएगी आ, कहीं मैं बाहर जाती थी तो उसको पूछा जाता था जा रहा है कितने बजे आएगा एंड सो इट उल्टा हिसाब था हमारे कितनी अच्छी बात है सो इंस्पायरिंग एक्चुअली सो व्हेन आई कम हियर और फॉर दैट मैटर एनीवेयर दैट यू गो हमारी इंडस्ट्री यस इज इज मेल डोमिनेटेड जब मैं आई थी तो पूछा जाता था कौन से हीरो पिक्चर का हीरो कौन है पहले ये बताओ हां uh, हम uh, कहीं जाते भी थे तो अच्छा पिक्चर कर रही हीरो कौन है कभी इस बात से शुरुआत नहीं होती थी कि हीरोइन कौन है या कहानी क्या है या कहानी क्या है चलो आपको इंटरेस्ट पहले ये है कि डायरेक्टर कौन है हीरो कौन है हीरोइन कौन है लेकिन हमेशा पहले पूछा जाता था कि अभी भी शायद यही पूछा जाता है कि हु इज द हीरो सो आई फील कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो कि आपको रुचि एकदम अलग जैसे अभी 12वीं फेल आई और उससे पहले छोटी छोटी जो फिल्में अगर आप कहें कि बहुत बड़े बजट्स की नहीं थी और अपने वक्त में हीरो हीरोइन ओरिएंटेड हीरो, फिल्में थीं जो शायद इन मल्टी आ, स्टारर से या हीरो डोमिनेटेड फिल्मों से कहीं बेहतर काम कर गई कई बार अच्छी कहानियाँ जो हैं और और अच्छी अदाकारी और अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छी मार्केटिंग <laughs> मिलकर शायद इस इस स्टेटस को बदल देते हैं तो um, लेकिन यस इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट थिंग लेट्स एडमिट दैट कि ऐसा नहीं है कि एक एक्ट्रेस की फिल्म आई और सब गए देखने के लिए ले, लेकिन हाँ हमारी बहुत सारी हीरोइंस ऐसी हैं जो कि चाहे आप कहें दीपिका हो प्रियंका हो आलिया हो आ, कंगना हो जो भी हो दैट दे डिमांड देयर मनीज बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे अगर लोगों को उनका काम अच्छा लग रहा है या नहीं डिलीवर कर रही हैं सो दे गेट इक्विवेलेंट आई थिंक चाहे कम है वो लड़कियां लेकिन हैं तो सही सो सो वी आर ऑन आ वे विच इज ग्रेट एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर गिवन द काइंड ऑफ मनीट दे आस्क फिंक दैट फोर श्योर सो मेनी लुक अप एंड आप इतने लोगों को इतना सारा काम जो आप कर रही हैं अदर दैन यू नो यू बीग इन फिल्मो यू इंस्पायर वेमेन सो मच बट वेनएवर वेमेन ये सोचती है अगर एक औरत कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए ये एक चीज़ करनी है या ये एक डिसीजन लेना है सोसाइटी के हिसाब से वो सही है या नहीं वो इतना मायने रखता है और उससे डर करके आज भी इतनी सारी औरतें हैं जो अपनी जिंदगी की कमान को अपने हाथ में नहीं ले पा रही हैं बिल्कुल कैसे फेस करती हैं आप जब ये ये सोसाइटी आपको जीने नहीं दे और ये बोले कि तुम ऐसे तो ऐसे क्यों तो फिर आई वुड से अगेन कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही इस मामले में, में कि जो भी करना चाहा जिस भी चीज़ में चाहे डेल्फ करना चाहा चाहे वो राइटिंग हो चाहे uh, कुछ भी हो एनी थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू मे बी शायद मुझे छोटे कपड़े पहनने थे या लंबे पहनने थे या साड़ी पहननी थी या अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना था कुछ भी करना था आई वॉज गिवन द फ्रीडम टू डू दैट लेकिन मैं कितनी अब आई नाउ इन फैक्ट टेक डू मोटिवेशनल से विद लॉट्स ऑफ विमेन और वो जो मज़ा आता है रुचि जब आप इतनी सारी हज़ारों की तादाद में महिलाओं को देखती हैं जो अलग अलग uh, घरों से आती हैं uh, कहानियाँ सबकी अलग हैं मुख्तलिफ हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब जूझ रही हैं mm. कहीं ना कहीं आप uh, अपने व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी नहीं वो द्वंद्व लड़ रही हैं बिल्कुल तो uh, मेरे ख्याल से uh, औरतों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बैलेंस ज़रूर करें क्योंकि महिलाओं से ये एक्सपेक्टेड होता है कि यू नो दे दे आर एनी द फाउंडेशन ऑफ एनी हाउस एंड करती भी हैं हम लोग अगर हमसे ये शायद ना एक्सपेक्ट किया जाए तो वो जायज़ बात नहीं है बिकॉज आई थिंक वी आर मल्टी टास्क बहुत सारे आदमियों को आप कह दो कि सुन ये भी कर दे और उसके बाद में <laughs> <एक laughs> <एक> ये कर लेना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बात बता वो करूँगा उसके बाद दूसरी करूँगा सो दे कांट मल्टी टास्क विमेन कैन विमेन कैन द डू टेन थिंग्स साइमल्टेनियसली एंड ब्यूटिफुली एट दैट लेकिन मेरी सिर्फ उन महिलाओं से ये गुजारिश है कि कई बार ना हम गिव इन कर देते हैं अपने सिचुएशंस को वन दे गेट मैरीड दिल से चलो ना अभी ये जैसा है वैसा अब तो बच्चे ही बड़े करने हैं आफ सीन लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स लॉट्स ऑफ पीपल आई नो कितनी जगह हम ट्रेवल करते हैं वहाँ की महिलाएँ वेल टू डू लेडीज ऑल्सो नॉट जस्ट के बट एवर दिल से Uh, पहले ना मैं ये करती थी hmm. uh, मेरे को मुझे बड़ा अच्छा लगता था कोई आई मैम मैं ना पहले uh, बहुत बैडमिंटन uh, खेलती थी अब तो छूट गया ऐसे अब तो छूट गया इज लाइक ओके नाउ लाइफ स्टेक नो व सो वट आई जस्ट फील इज़ कि हमेशा हम महिलाएं अपने लिए थोड़ा सा वो वक्त ज़रूर निकाल सकती हैं yeah. कुछ भी हम कर रहे हो चाहे आप सुबह चार बजे उठ के आप बारह बजे सोते हो फिर भी आप वो जो मेरे ख्याल से आधा घंटा ही निकाल लें लेकिन दैट मी टाइम हैज़ टू बी वेर यू डू वट यू वॉन्ट डू एंड दिस इज़ सो फुलफिलिंग टू डू एंड आई वुड रियली आस्क ऑल दो वेमे yeah. तो जो, जो, तो जो सुन रही हैं मुझे कि अपने ख्वाबों को कभी ज़िंदगी के तले डाल नहीं देना चाहिए उनके उनको उस ज़िंदगी में मतलब घुसा के रखना चाहिए कि ख्वाब है और इन्हें हकीकत बनाना है चाहे छोटे तरह से हो लेकिन होना ज़रूर चाहिए